दिवाली पर क्यों दियों से सजाया जाता है घर, जाने पारंपरिक और वैज्ञानिक कारण। 27 अक्टूबर को हर जगह धूमधाम से वाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग अपने घर, दुकान आदि को सजाते हैं। मान्यता है इस दिन श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी नगरी अयोध्या पधारे थे, जिसकी खुशी में नगर वासियों ने अपने घरों आदि को सजाकर खुशियां मनाई थी। यही कारण है कि आज भी दिवाली से पहले ही लोग अपने घरों को संवारने में लग जाते हैं। इन सब एक मान्यता प्रमुख है, जो है दिवाली के अवसर पर दीपमाला करने की। इस दिन लोग अपने घरों आदि में दीपमाला करते हैं। हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स के साथ दीयों की रोशनी दिखाई देती है। परंतु आखिर दीपमाला की ये परंपरा आदि कैसे शुरू हुई, अगर आप भी ये जानने के इच्छुक हैं तो आइए हम आपको बताते हैं इसके पारंपरिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी। दरअसल दिवाली के कुछ दिन पूर्व दशहरा मनाया जाता है। अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन यानी दशहरा पर भगवान राम ने रावण का वध कर उसके साथ साथ बुराई को खत्म कर विजय पाई थी, जिस कारण इस दिन को आज तक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तुलसीदास जी की रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम के 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने उस दिन दिए जलाकर उनका स्वागत किया। माना जाता है इस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी, जिसके बाद से हर साल कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को दिए जलाए जाते हैं और दिवाली मनाई जाती है। अब ये हुई पारंपरिक कारण की, अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। माना जाता है दिवाली के दिन दिए जलाने से एक वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है। असल में कहा जाता है ये वो समय है जब मौसम में बदलाव आता है, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता तो मच्छरों आदि का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों की माने दिए जलाने से मच्छर उस ओर आकर्षित होते हैं और दिए की लौ से जलकर मर जाते हैं, जिस कारण दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं।